तो आज का दूसरा मैच जो हम चैनल में वीडियो के थ्रू कवर करने वाले हैं वो रहेगा यूरो 2020 का मैच इटली वर्सेस ऑस्ट्रिया के बीच। इस मुकाबले का करते हैं डिटेल एनालिसिस। तो इटली वर्सेस ऑस्ट्रिया, ये मैच एक न्यूट्रल वेन्यू यानी कि इंग्लैंड में वेम्बली स्टेडियम में आज रात 12:30 AM पे खेला जाएगा। अब ये आप सभी जानते होंगे राउंड ऑफ 16 का मैच है यानी कि नॉकआउट मैच। जो ये मैच जीतेगा वो क्वार्टर फाइनल में पहुंच जाएगा यूरो 2020 के, जो हारेगा वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो डू और डाई मैच है और इटली आप सभी जानते होंगे वन ऑफ द फेवरेट्स है ये यूरो 2020 जीतने के। वहीं ऑस्ट्रिया फिलहाल के लिए आप कह लीजिए एक एवरेज टीम है, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने इतना ज़्यादा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस भी अभी तक नहीं किया। अगर हम देखें लास्ट 3 मैचेस कैसे गए, तो इटली अपने तीनों ग्रुप स्टेज मैचेस जीत के आई है, 3-0 टर्की, 3-0 स्विट्जरलैंड, 1-0 वेल्स। तो लास्ट 3 मैचेस 7 गोल स्कोर किए और इटली की तीनों मैचेस में क्लीन शीट आई है यानी कि उन्होंने एक भी गोल कंसीड नहीं किया। तो इटली वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव टीम में थी अभी तक ग्रुप स्टेजेस में, और ये एक तरीके से अब जाके फेवरेट्स हो चुकी है इस यूरो 2020 टाइटल को जीतने की। ऑस्ट्रिया के लास्ट 3 मैचेस आप देखेंगे, 3-1 इन्होंने नॉर्थ मैसेडोनिया को हराया था अपने ग्रुप में, उसके बाद 2-0 बीच में नीदरलैंड से हारे, फिर पिछला जो लास्ट मैच हुआ 1-0 से यूक्रेन को हरा के इन्होंने क्वालिफाई किया था। तो ऑस्ट्रिया की फॉर्म अप एंड डाउन है, वहीं इटली रेड हॉट फॉर्म में चल रही है। तो वैसे तो देखा जाए तो एक ही मैच मिलेगा, अगर इटली का भी दिन खराब होता है श्योरली ऑस्ट्रिया उन्हें हरा सकती है, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी तक क्लियर कट जो फेवरेट्स हमें नज़र आ रही है वो इटली है, जिस तरह की वो इंटरनेशनल फुटबॉल में फॉर्म में चल रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह से उनके प्लेयर्स परफॉर्म कर रहे हैं, वहीं ऑस्ट्रिया ने उतना ज़्यादा अप टू द मार्क परफॉर्मेंस भी नहीं किया। तो इस मैच में क्लियर कट फेवरेट इटली होने वाली है। तो डायरेक्ट हम प्रोबेबल लाइनअप पे आते हैं। उससे पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस मैच की 8 ग्रैंड लीग और 1 फाइनल एसएल टीम आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी, हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो आप टेलीग्राम में @FantasySportsSpy सर्च मार के भी ज्वाइन कर सकते हैं, 2.7K से ज़्यादा सबसे वाला चैनल आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इस मैच की 8 ग्रैंड लीग टीम पोस्ट करूँगा, क्योंकि स्मॉल लीग से अच्छा इस मैच में हम ग्रैंड लीग में वर्क कर सकते हैं और अच्छी रैंक हमारी आ सकती है। तो ज़रूर जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल के साथ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट प्रोबेबल लाइनअप पे आते हैं, पहले इटली की ही बात कर लेते हैं। तो कियलिनी इनके जो मेन सेंटर बैक है कैप्टन है, और फ्लोरेंजी इनके राइट बैक, इस मैच में डाउटफुल है। डाउटफुल क्या आप ये कह लीजिए कि इस मैच में ऑलरेडी वो बाहर हो चुके हैं, ज़्यादा तक 99% चांसेस है कि ये नहीं स्टार्ट करने वाले। तो फिर भी आप देखेंगे तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इटली फेवरेट्स है तो स्मॉल लीग में हम इनके 7 प्लेयर्स पिक करेंगे और जो वीक अपोनेंट ऑस्ट्रिया के सिर्फ 4 प्लेयर्स पिक करेंगे। तो यहाँ पे डोनारामा इनके गोलकीपर होने वाले, मे बी मैं स्मॉल लीग में इनको इग्नोर करूँ, जीएल के लिए डिसेंट पिक होंगे, लेकिन मैं यहाँ पे जो पोजीशन है इटली डोमिनेट करने वाली है, इनके अटैकर ज़्यादा अटैक करेंगे तो जो ऑस्ट्रिया है वो डिफेंडिंग करेगी और काउंटर अटैक में खेलेगी। तो इस केस में ऑस्ट्रिया के गोलकीपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एज़ कम्पेयर टू डोनारामा। तो अब स्मॉल लीग में हम 2 कॉम्बिनेशंस के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इटली की क्लीन शीट का बहुत अच्छा चांस है, लास्ट 3 मैचेस में क्लीन शीट रखी है और ऑस्ट्रिया का जो अटैक है उतना ज़्यादा प्रोलिफिक भी नहीं है। तो या तो आप 4 डिफेंडर्स 3 अटैकर्स ले आइए प्रॉपर क्लीन शीट वाली टीम बना के, नहीं तो आप दूसरी चीज़ कर सकते हैं, 1 डिफेंडर शॉर्ट करके 3 डिफेंडर्स और 4 अटैकर्स आप इटली के भी पिक कर सकते हैं। तो दोनों स्ट्रेटेजी अच्छी हो सकती है, अगर आप चारों डिफेंडर्स पिक करते हैं तो वेल एंड गुड है, आप इन चारों को पिक कर लीजिए। अगर आप इनमें से किसी 3 के साथ जाना चाहे तो मेरी नंबर 1 चॉइस रहेंगे इटली के लेफ्ट बैक स्पिनाजोला। अभी तक पूरे टूर्नामेंट में क्या बेहतरीन इन्होंने परफॉर्मेंस किया है, सीरी ए इटालियन लीग में एएस रोमा के लिए खेलते हैं, वहाँ भी इनका बहुत अच्छा सीजन गया था। ये आपको ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों जगह से पॉइंट देंगे, यानी कि टैकल्स इंटरसेप्शन के पॉइंट देंगे, पासिंग पॉइंट देंगे, क्लीन शीट होने में उसके पॉइंट देंगे, और काफ़ी चांसेस वगैरह क्रिएट भी करते हैं, असिस्ट भी ये कर सकते हैं। तो पूरी तरह से स्पिनाजोला मेरी नंबर 1 पिक है। नंबर 2 पिक मेरी बन्यूची रहेंगे, इनके सेंटर बैक लीडर, और आज कियलिनी नहीं है तो इनके कैप्टन भी ये होंगे, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है, बहुत ज़्यादा पासिंग पॉइंट आपको देंगे। हालांकि इस मैच में उतने ज़्यादा टैकलिंग इंटरसेप्शन इनको करने को नहीं मिलेगा, फिर भी क्लीन शीट होने में उसके भी पॉइंट देंगे, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, मे बी सेट पीसेस से, कॉर्नर फ्री किक से हेडेड गोल भी आपको करके दे दे। तो स्पिनाजोला, देन बेन्यूची, थर्ड चॉइस मेरी डी लोरेंजो रहेंगे, जिनका बहुत अच्छा सीजन गया है सीरी ए में नेपोली के लिए, हालांकि इटालियन टीम के लिए उतने मौके नहीं मिले, लेकिन आज मोस्ट प्रोबेबली चांस मिल सकता है। तो ये राइट साइड से आपको ऑफेंसिव डिफेंसिव दोनों पॉइंट दे सकते हैं, और जनरली ये बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं राइट साइड से, बहुत ये क्रॉसेस देते हैं। तो डी लोरेंजो मेरी नंबर 3 चॉइस, अगर आप 3 ले जा रहे तो ये टॉप 3 पिक्स रहेंगे, अगर आप चारों को पिक कर रहे देन मे बी HRB को आप
ले जा सकते हैं, लाजियो के प्लेयर है, एक डिसेंट प्लेयर है। अब कुछ रूमर्स आ रहे हैं अचरबी के प्लेस में बास्तोनी खेल सकते हैं, तो बास्तोनी भी एक अच्छे प्लेयर है, इंटर मिलान के लिए उनका सीजन भी काफ़ी अच्छा गया, तो अचरबी बास्तोनी जो भी खेलेगा वो मेरी फोर्थ चॉइस रहेगा। अब मिडफील्ड में यहाँ पे जॉर्जिनियो का खेलना लगभग कंफर्म है, तो जॉर्जिनियो को वैसे ही हम मिस नहीं करते क्योंकि ये बहुत सेफ प्लेयर है फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से। हर मैच में लगभग ये अपनी पासिंग से, टैकलिंग, इंटरसेप्शन एबिलिटी से 30 से 40 पॉइंट देते हैं, और तो और हो सकता है चांसेस हैं कि ये पेनल्टीज में भी हो, हालांकि इनकी पेनल्टी टेकर श्योर नहीं है। मे बी जॉर्जिनियो, मे बी इंसिनिया, इमोबिले, विराती, चार चार ऑप्शन है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है पहले पेनल्टी टेकर जॉर्जिनियो ही है, तो वैसे ही इनको ड्रॉप करना नामुमकिन है, तो जॉर्जिनियो हम श्योरली पिक करेंगे। अगर पेनल्टी नहीं भी हुई, गोल असिस्ट नहीं भी करते, फिर भी आपको 20 से 25 पॉइंट देंगे ही देंगे, तो जॉर्जिनियो मस्ट पिक है। अब विराती लोकाटेली में कोई एक खेलेगा, लोकाटेली का इस सीजन बहुत अच्छा गया है सीरी ए में और लास्ट दो मैचेस में, मतलब पिछला मैच में इन्हें स्टार्ट नहीं मिला था, रेस्ट मिला था, उससे पहले दो मैचेस में इनके आप देखिए दो गोल हैं, और वो दो गोल एक ही मैच में आए थे, हालांकि उससे पहले इन्होंने अपने करियर में कभी भी एक मैच में दो गोल नहीं मारे थे, ये फर्स्ट टाइम था। इनका काम गोल असिस्ट करना नहीं है, लेकिन वो मैच बहुत अच्छा गया था इनका, ऑफेंसिवली डिफेंसिवली दोनों जगह से पॉइंट दिए थे, लेकिन इस मैच में रूमर सारे इनको बेंच करेंगे, इनके प्लेस में जो इटली के मेन मिडफील्डर है मार्को विराती खेलेंगे, जो कि वर्ल्ड के बेस्ट मिडफील्डर्स में आते हैं, और ये पीएसजी के लिए भी खेलते हैं, और पिछले मैच में इनको दो मैचेस इंजर्ड थे, पिछले मैच में मौका मिला तो उस मैच में इन्होंने क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, असिस्ट दिया इन्होंने फ्री किक से, काफ़ी चांसेस क्रिएट किए थे, इवन 5 या 6 इन्होंने चांसेस क्रिएट किए थे, टैकल्स बहुत ज़्यादा दिए थे और पासिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा दिए थे, तो मे बी मैं अज्यूम कर रहा हूँ लोकाटेली बेंच चूंकि विराती खेलेंगे, अगर विराती खेले श्योरली मैं अपनी टीम में इनको पिक कर सकता हूँ, हालांकि यहाँ पे मेरे पास कॉल लेना होगा विराती बराडी बरेला में, फिर भी मैं विराती को काफ़ी हाई रेट करता हूँ, तो स्टार्ट करें डेफिनेटली मैं पिक करूँगा, ऑल दो आप देखेंगे विराती का सिलेक्शन लो है, लेकिन मैं श्योरली इनको पिक कर सकता हूँ। लोकाटेली स्टार्ट करें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, और इनका सिलेक्शन जो इस तरह के अभी इन्होंने पॉइंट दिया है ड्रीम इलेवन में, उस वजह से काफ़ी हाई हो गया है। बरेला के बारे में कहना चाहूँगा, अटैकिंग मिडफील्डर है, अभी तक 2-3 मैचेस जितने भी इन्होंने स्टार्ट किए उतना ज़्यादा इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं रहा जैसा इंटर मिलान के लिए इनका रहा है, तो फिलहाल के लिए बरेला को एक जीएल पिक कहूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ गोल असिस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इनसे अच्छे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन आप पॉइंट लेना चाहे तो इन पे श्योरली स्मॉल लीग में पॉइंट ले सकते हैं। अब इमोबिले इनके मेन नंबर 9 टैलिसमैन आप कह लीजिए, सबसे ज़्यादा गोल है अभी तक, 2 गोल है 2 मैचेस में, 1 असिस्ट है, तो बहुत सेफ प्लेयर रहने वाले हैं, मस्ट पिक रहेंगे, एक बहुत अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी रहने वाले हैं, हालांकि ऑफ डे रहा इमोबिले का तो ये आपको 70-75 मिनट पर सब्सिट्यूट होते हुए दिखाई देंगे, इनके प्लेस में बेलोटी आ जाएंगे। इंसिनिया एक ऐसा प्लेयर है जो लगभग हर मैच खेलता है और काफ़ी चांसेस क्रिएट करता है, 1 गोल भी है और काफ़ी चांसेस क्रिएट के आपको पॉइंट देगा, ऑन टारगेट के पॉइंट देगा, गोल असिस्ट तो कर ही सकते हैं, थोड़े बहुत डिफेंसिव पॉइंट भी देंगे, तो इंसिनिया भी मस्ट पिक रहने वाले हैं। ये इमोबिले के साथ बहुत अच्छे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन भी रहने वाले हैं, दोनों इंसिनिया और इमोबिले। अब बिराडी का ऑप्शन आपके पास है, बिराडी को आप चाहे पिक कर सकते हैं, आप चाहे इग्नोर कर सकते हैं, 2 मैचेस अभी तक खेले, दोनों बहुत अच्छे गए, सीजन भी बहुत अच्छा गया है इनका सासुओलो के लिए सीरी ए में, और अगर आप देखेंगे 1 असिस्ट भी है, तो बिराडी या मे भी हो सकता है आप बरेला या विराती, इन 3 में से किसी एक के साथ आप जा सकते हैं। फिलहाल के लिए इमोबिले, इंसिनियो और जॉर्जिनियो मस्ट पिक रहने वाले हैं इनके मिडफील्ड और फॉरवर्ड सेक्शन से। तो ये इटली की ओवरऑल प्रोबेबल 11 थी, सभी सिनेरियो सभी प्लेयर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, ये कुछ स्टैट है, इनमें से कोई और प्लेयर खेलता है या ये अभी तक के जो भी इनके स्टैट है इस यूरो के 3 मैचेस के, तो आप स्टैट देख सकते हैं, इससे आपको टीम बनाने में काफ़ी हेल्प हो जाएगी। अब हम अपोनेंट की बात करते हैं, उससे पहले एक बार फिर रिमाइंड दिला रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो काफ़ी कुछ आप मिस कर रहे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम में @fantasysportsspy सर्च मारेंगे, 2.7 के से ज़्यादा सबसे वाला चैनल आपको मिलेगा, यहाँ से आपको जुड़ जाना है। इस मैच की फाइनल स्मॉल लीग टीम के साथ 8 ग्रैंड लीग टीम भी मैं यहीं पोस्ट करने वाला हूँ, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रिया की, तो बैकमैन इनके गोलकीपर हैं, बहुत अच्छे सेविंग पॉइंट स्मॉल लीग में दे सकते हैं, तो फिलहाल के लिए स्मॉल लीग में मेरी पहली चॉइस बैकमैन ही रहेंगे एज कम्पेयर टू डोनारमा। 4 इनके डिफेंडर्स हैं, वैसे मैं ऑस्ट्रिया के ज़्यादा डिफेंडर सजेस्ट नहीं करूँगा स्मॉल लीग में, क्योंकि अगर इटली बहुत ज़्यादा गोल मारेगी तो ये नेगेटिव पॉइंट देंगे, फिर भी इनके डिफेंस में एक स्टैंड आउट प्लेयर है जो कि इस टीम का बेस्ट प्लेयर है और कैप्टन भी है, डेविड अलावा, डेफिनेटली आप इस प्लेयर को पिक कीजिए। बायर्न म्यूनिख के प्लेयर थे, अब नेक्स्ट सीजन आपको रियल मैड्रिड में दिखेंगे, वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट सेंटर बैक्स में आते हैं, यहाँ पे अलग अलग पोजीशन में खेल सकते हैं, बहुत वर्सेटाइल है, कभी सेंटर बैक खेलते हैं, कभी लेफ्ट बैक खेलते हैं, कभी एज अ लेफ्ट विंगर भी खेलते हैं, तो अलावा क्रॉसेस बहुत अच्छे देते हैं, लेकिन इस मैच में उतने पासिंग पॉइंट करने को नहीं मिलेंगे,
ओवरऑल सारे कॉर्नर किक फ्री किक शेयर करते हैं दूसरे प्लेयर्स के साथ, इसके अलावा चांसेस भी क्रिएट करेंगे, टैकलिंग इंटरसेप्शन पॉइंट देंगे, तो अलावा को इग्नोर करने का सवाल ही नहीं होता, मस्ट पिक रहेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा डिफेंडर के साथ जाना चाहते हैं तो मेरी सेकंड चॉइस लाइनर रहेंगे। अभी तक पिछले तीनों मैचेस इनके अच्छे गए हैं, एक इनका असिस्ट गोल भी है सॉरी, इसके अलावा इन्होंने टैकलिंग ऑफेंसिव डिफेंसिव नंबर्स दोनों जगह से हमें प्रोवाइड करे हैं। अगर ड्रैगोविच हिंटरेगर को भी आप लेना चाहते हैं तो फिलहाल के लिए तो सजेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन जीएल में डिसेंट पिक हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि उलटफेर ऑस्ट्रिया करेगी तो फिर आप इनके गोलकीपर प्लस चारों डिफेंडर्स को पिक करके एक नैरो 1-0 ऑस्ट्रिया वाली जीएल टीम में ले जा सकते हैं। फिलहाल के लिए एसएल टीम में एक ही डिफेंडर में सजेस्ट करूंगा या ज़्यादा से ज़्यादा दो, वो होंगे अलाबा और लाइनर। अब इनके जो दो होल्डिंग मिडफील्डर है ग्रिलिच और श्रेगलर खेलेंगे, इन दोनों में किसी एक के साथ जाने में श्रेगलर के साथ जाऊंगा। इनके डिफेंसिव नंबर बहुत अच्छे हैं, इसके अलावा इन्होंने चांसेस वगैरह क्रिएट भी किए हैं और आप देखेंगे इनका सिलेक्शन भी हाई है और क्रेडिट भी इनको हाई दिया है ड्रीम इलेवन ने, तो ड्रीम इलेवन भी इनको थोड़ा हाईली रेट करता है एज कम्पेयर टू ग्रिलिच, जिन्होंने डिफेंसिव पॉइंट तो दिया लेकिन ऑफेंसिव पॉइंट उतने नहीं दिए, तो दोनों डिसेंट ऑप्शन है। मे बी मैं पहले श्रेगलर के साथ जाऊँ। अब लाइमर राइट साइड में खेलेंगे लाइनर के साथ। अब जो लाइमर है वैसे तो ये डिफेंसिव मिडफील्डर है लेकिन पिछले मैच में राइट साइड में डिसेंट वर्क किया था, लेकिन इनसे उतना ऑफेंसिव वर्क एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, ये इस मैच में ज़्यादा डिफेंडिंग ही करने वाले हैं, तो डिसेंट प्लेयर है। फिलहाल 50-50 कॉल रहेगा, मे बी आप पिक कर सकते हैं मे बी इग्नोर कर सकते हैं। बूम गार्टनर का लास्ट मैच में गोल आया था लेकिन वो एक रैंडम गोल था, इनसे उतना गोल असिस्ट में एक्सपेक्ट नहीं करता, वो एक गोल है। हालांकि बुंदेसलीगा में इनका सीजन ठीक ठाक गया, फिर भी उतने ज़्यादा प्रोलिफिक प्लेयर नहीं है। फिलहाल के लिए इनको भी अभी के लिए इग्नोर करूंगा। अब इस टीम का जो सबसे क्रिएटिव प्लेयर है या बेस्ट मिडफील्डर आप कह लीजिए वो है साबिटजर। हालांकि ये पिछले तीनों मैचेस उतने इंप्रेसिव नहीं गए इनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, फिर भी सबसे हाईली रेट में इन्हीं को करता हूँ, इनके अटैक सेक्शन या मिडफील्ड जो भी कह लीजिए। और अगर आप देखेंगे सिर्फ एक असिस्ट है लेकिन ओवरऑल सबसे बेहतरीन इनकी क्रिएटिविटी है, गोल असिस्ट दोनों कर सकते हैं, तो साबिटजर मस्ट पिक रहने वाले हैं। अर्नांटोविच बहुत हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर है, दिन हुआ एक या दो गोल शोली कर सकते हैं, फिर इनके अगेंस्ट चाहे इनके आगे कोई भी डिफेंडर हो जाए एक वर्ल्ड क्लास कैसा भी हो, इनका दिन हुआ है शोली गोल करेंगे। फॉर्मर वेस्ट हैम प्लेयर है, अगर फ्लॉप रहे तो जल्दी सब्सिट्यूट हो जाएंगे, इनके प्लेस में साचा कलाडिच आ जाएंगे। तो ये पूरा आप पे डिपेंड करेगा कि आप अर्नांटोविच को ट्रस्ट करते हैं या इनको नहीं करते। प्रीमियर लीग में खेले, अब ये चाइनीज लीग में खेलते हैं, एक बहुत अच्छे प्लेयर है। तो ओवरऑल ये ऑस्ट्रिया की प्रोबेबल 11 थी। अब एक प्लेयर है साचा कलाडिच, बुंदेसलीगा में बहुत अच्छा इनका सीजन गया स्टुटगार्ट के लिए, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बेंच से आएंगे, तो एज अ सब्सिट्यूट इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो मे बी आप जीएल टीम में किसी एक प्लेयर पे एज अ सब्सिट्यूट से आके जो रिस्क आप लेना चाहते हैं वो कलाडिच हो सकते हैं। तो ये ओवरऑल ऑस्ट्रिया की प्रोबेबल 11 थी। सभी सीनेरियो सभी मेन प्लेयर्स के बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया। प्रिडिक्शन में आते हैं, पहले मैं दिखा देता हूँ ये स्टेट है ऑस्ट्रिया के अभी तक के तीन मैचेस के, तो आप ये स्टेट वगैरह देख सकते हैं। प्रिडिक्शन बहुत इजी टू प्रिडिक्ट लग रहा है, क्लियर कट इटली फेवरेट्स है, तो मेरी प्रिडिक्शन 2-0 इटली या मे बी ऑस्ट्रिया एक गोल मार दे उस केस में 3-1 इटली है, लेकिन पूरा फेवरेट्स यहाँ पे इटली होने वाली है। लेकिन ग्रैंड लीग में हम हर एक कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, गोललेस ड्रॉ 1-0 ऑस्ट्रिया भी इसमें ले जाएंगे। ऐसे करके 8 जीएल एक एसएल टीम आपको टेलीग्राम चैनल में मिलेगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल मैंने जो डेमो रफ टीम बनाई है उसमें गोलकीपर ऑस्ट्रिया के पिक किए, तीन डिफेंडर्स बनयुची स्पिनाजोला डी लोरेंजो के साथ में गया, यहाँ से मैंने एक अलाबा पिक किया ऑस्ट्रिया के कैप्टन, और इंसिनिया जॉर्जिनी और इमोबिले मैंने पिक किया, इसके साथ मैंने पिक किया विराती। अब विराती के प्लेस में लोकाटेली खेलते हैं, आप उनके साथ जा सकते हैं, नहीं तो आप विराटी को हटा के मे बी बरेला या बराडी फॉरवर्ड में इन दोनों को ले सकते हैं। यहाँ से मैंने साबिटजर लिए और शेगलर लिए, आप चाहे तो शेगलर के प्लेस में अर्नांटोविच को ले सकते हैं, जैसा मैंने बताया बहुत हिट एंड मिस टाइप के प्लेयर हैं, दिन हुआ स्कोर करेंगे, नहीं दिन नहीं हुआ तो 10 से भी कम पॉइंट देंगे। ओवरऑल इसमें कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में इंसिनिया इमोबिले और जॉर्जिनियो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। तो फिलहाल ये डेमो रफ टीम है, लाइनअप में चेंजेस हुआ तो इस टीम में श्योरली चेंजेस होंगे, तो अपडेटेड कॉम्बिनेशन के लिए फाइनल एसएल और 8 ग्रैंड लीग टीम के लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर ज्वाइन कर लीजिए।